चोरी वगैरह डाकू डकेरा करते हैं ना, उनको पकड़ते हैं, सजा होती है उनको। तो जब वो सजा भोगते हैं ना, सजा भोगते वक्त उनकी उनका वर्तन अच्छा हो जाता है धीरे धीरे चोर का, तो उनको मुक्त में भेज देते। तो ऐसे भारत में 3 जगह जेल है जहाँ चोर मुक्त में छोड़ दे जाते, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, रूम दी जाती है, और कसने के लिए थोड़ी खेती दी जाती है, उस पर वे गुजरान करते हैं, उनको बेड़े बेड़े नहीं कुछ डालते, वो ऐसे ही घूमते हैं। तो एक जेल यहाँ पे है अटपाड़ी में, उसका नाम है स्वतंत्रपुर। हाँ, पुराना पिक्चर था 2 आँखें 12 हाथ, वो उस पर बनाया था, उसकी जो स्टोरी है उस पर बनाया था। 2 आँखें बोले तो जेलर के 2 आँखें, 12 हाथ बोले तो 6 कैदी भाग गए थे, उनके 2-2 हाथ मिला के 12 हाथ, और जेलर के 2 आँखें, ऐसा उसका नाम है। वो भाग गए थे, फिर भाग जाने के बाद उनको लगा अपनी सजा पूरी हो चुक रही थी, थोड़ी ही रही थी, और हम भाग आए, अगर अब फिर हमें पकड़ गए तो और हमारी सजा बढ़ दी जाएगी, इसलिए वो खुद वापस आ गए। अच्छा। खुद ही वापस आ गए, इसीलिए उसे स्वतंत्रपुर बोलते हैं। तो हाँ, वहाँ जाएंगे, चलो। फैमिली के साथ रहते हैं वो इंडिया में। हाँ, दो जगह, एक पूना में है, दिल्ली में है, एक दिल्ली में क्या पूना में एक है, और यहाँ एक है। हाँ, चलो चलते हैं, जा सकते हैं। हाँ, चलते हैं। हॉबी होनी चाहिए, कोई भी हॉबी हो, एक ना एक हॉबी होनी चाहिए, कुछ भी हो, तुम बुनो, सिलाई करो, ड्राइंग निकालो, नाच सीखो, गाना गाने के लिए सीखो, भजन सीखो, कुछ भी हो जो आपको चाहे वो हॉबी होना चाहिए, तो मन रमता है अपना। हाँ, तो घर के काम का आलस नहीं आता, घर के काम का। आज अपने मैंने आपको बताया मैं ड्राइविंग बनाती हूँ, आपको आश्चर्य लगा। मैं बोली चलो मैं तुमको घूम के लाती हूँ, तो मैं कितनी फ्रेश हो गई हूँ, अब जाके घर में अच्छी तरह से काम कर सकती हूँ। सुबह भी किया है, अभी जाके भी करूँगी, और वो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात आपने बहुत, क्योंकि मैं खुश हो गई हूँ आज। मैंने तुमको ड्राइविंग, मैं कैसी ड्राइविंग करती हूँ दिखाया, आपने वीडियो बनाया, मैं कितनी खुश हो गई हूँ, अब घर के जाके मेरा काम और अच्छे से होगा। और ये जो मोमेंट है ना, ये फिर कभी नहीं आएगी, आएगी भी नहीं भी आएगी, क्या मालूम आप मुंबई से आए इतने दूर से, क्या मालूम आप कब आएंगे, हम कब मिलेंगे, लेकिन आज जो आनंद मिला है ना, वो पैसे में नहीं गिन सकते हम, है ना। प्रभु जी को मत दिखाना ये सब, नहीं उनको भी नहीं दिखाना, कुलदीप प्रभु जी को। थोड़ा अच्छे से एडिटिंग करेंगे, म्यूजिक वगैरह डाल के, फिर अपलोड करेंगे, तब देख लेंगे। हाँ, उसे जो सूट होता है उस, और वो पूरा गाना, मतलब रील रील जैसा उसका कोई पार्ट नहीं है, पूरा गाना। अच्छा। पूरा गाना भी याद रहता है और एक मेमोरी अच्छी रहती है। हाँ, वो भी अच्छा है, भी अच्छा है। हाँ। ब्लॉगिंग भी अच्छी है, वो भी अच्छा है। ब्लॉगिंग के लिए बहुत कष्ट पड़ता है। हाँ। उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, 3 लोग तो चाहिए उसके लिए, 3-4 लोग, अकेले नहीं होता वो, और कहीं जाते हैं तो हम एंजॉय भी नहीं कर पाते। हाँ,
अच्छा है। ये स्कूल पल्लव प्रभु जी का स्कूल यहाँ पीछे गया, ये जो दिखता है ना इधर इधर पीछे पीछे पल्लव प्रभु जी का और पार्थ का भी, दोनों का भी, दोनों उनके पिताजी का भी यही स्कूल। हाँ हाँ, अभी ये मॉल वगैरह हुआ है, पहले कुछ नहीं था। अच्छा। मेरे हस्बैंड का ऑफिस ऐसे ही जत में है, पार्थ का ऑफिस। कितनी सजा हो गई, किस लिए हो गई, छोटा सा गुनाह हाँ, रहता है उनका भी, बहुत छोटा गुनाह होता है उनको, उनको किसी ने मतलब उनकी कोई भूल नहीं भूल होती, नहीं होती उनकी, लेकिन उन पर हाँ, डाला जाता है, आप थे उसमें, आपने हाँ, ही बनाया है, मजबूरी से उनको पकड़ा जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है, कभी कभी, और कभी कभी होता है भाई,